गवर्नमेंट जो खर्चा करती है किस चीज के लिए, फिजिकल एसेट्स अक्वायर करने के लिए। क्यों अक्वायर करना चाहती है गवर्नमेंट फिजिकल एसेट्स? जिससे कि गवर्नमेंट को और कंट्री को बेनिफिट हो सके। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। वी हैव डिस्कस्ड द एनुअल बजट ऑफ 2024 व्हिच वाज इन फैक्ट एन इंटरिम बजट because government is going into the general election this year. So this budget was for short span of time, okay? Interim budget हम लोग discuss कर चुके हैं और इसका बहुत detailed analysis किया था, जिसमें कि हम लोगों ने बात करी थी एक-एक aspect के बारे में जो कि budget में हमें आया है, right? Today guys, we are going to do, मैं analysis करने जा रहा हूँ, basically आपको insight देने वाला हूँ कि ये जो budget है, इससे जो 10 टेकअवेज हैं, हम क्या इससे समझ सकते हैं, इसमें क्या कुछ अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी चीजों में जो लिखा हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शायद इतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं और एक एक करके हर पॉइंट को समझते हैं कि क्या क्या टेकअवेज हैं। तो फर्स्ट थिंग गाइस, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट डेटा। पहला पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 लाख करोड़ ऑफ लास्ट ईयर टू 11.11 करोड़ दिस ईयर। सो दिस इज बेसिकली 11% का इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में लास्ट ईयर से अब तक। और इस पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया है, एंड ही कांग्रेचुलेटेड द फाइनेंस मिनिस्टर दैट दिस इज अ वेरी गुड स्टेप और दिस इज अ वेलकम स्टेप। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। नाउ अगेन आई एम रीडिंग, सी आई कैन एक्सप्लेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू माइट बी अवेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट आई एम रीडिंग फ्रॉम द रेलेवेंट सोर्स। आई एम रीडिंग फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट दैट व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। So it says that capital expenditure refers to the funds spent by government to acquire, upgrade or maintain physical assets that provide benefits over multiple accounting periods, as these assets are long-term in nature and are used to generate income. Basically, government जो खर्चा करती है किस चीज के लिए, physical assets acquire करने के लिए। क्यों acquire करना चाहती है government physical assets? जिससे कि गवर्नमेंट को और कंट्री को बेनिफिट हो सके। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैपिटल चीज जैसे ही आती है लॉन्ग टर्म होता है और इससे रेगुलर बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलता रहता है। अब गवर्नमेंट किन किन चीजों पे खर्च कर सकती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कोई प्लांट, कोई इक्विपमेंट परचेज कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकती है, कोई एक्सपेंशन कर सकती है अपने किसी पीएसयू का, या फिर मर्जर्स कर सकती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ब्रिजेस बनेंगे, रोड्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे। जी हाँ, वो तो बनेगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो होता ही है, पर ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है। R&D हो सकता है, गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी, कोई फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग हाउस परचेज कर सकती है, ये सारी चीजें भी है। सो बेसिकली कहने की बात ये है कि जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि स्पेंडिंग हो रही है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, दैट इज गुड, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, सो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसकी इनसाइट क्या है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, देयर वाज अ रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय CAPA, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया हैज गॉट टोटल 700 एयरक्राफ्ट। हमारे पास 700 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें कि 200 एयरक्राफ्ट को मार्च 2024 में गवर्नमेंट ग्राउंड करने जा रही है। ग्राउंड करने जा रही है मतलब अब इनका कोई यूज नहीं होगा, ये किसी काम के नहीं है, मतलब पैसेंजर्स इनमें नहीं जा पाएंगे, दे वोंट बी यूज्ड एनी फर्दर, फाइन। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 500 एयरक्राफ्ट
ओनली। अगर आप पिछले कुछ ईयर्स को देखें तो जो एयर ट्रैफिक है वो 4x to 5x हो गया है, यानी 4 गुना से 5 गुना हो गया है। लोग अब एयर से जाना ज्यादा पसंद करते हैं, 4 गुना इंक्रीज कर गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट्स की बात करें तो उससे 2x हुए, डबल हुए। अगर आप एयरक्राफ्ट्स की बात करें, एरोप्लेन्स की बात करें, तो वो भी सिर्फ डबल हुए हैं। यानी अभी भी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और गवर्नमेंट 200 एयरक्राफ्ट्स को और ग्राउंड कर रही है। अब आप सोच सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि एयर प्राइसेस, एयर फेयर इंक्रीज कर जाएगा, आपका एविएशन में इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्राइसेस हाइक कर जाएंगे। यानी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बेसिक लेवल पे है, उसको बहुत ज्यादा डेवलप करना है डिमांड के हिसाब से, ओके?